बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपको टेस्टी फूड विद जिया में। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं देसी घी। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह घर की में मौजूद बलाई से आप घर में निकालें देसी घी। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। जो दूध में बलाई जम जाती है उसको निकाल के और आप इस तरह से बॉक्स में रख के फ्रीज कर दें। जब बहुत सारी बलाई जमा हो जाए तो आप उसका घी निकाल लें। हमने इस तरह से सारे बॉक्सेस में इसको जमा करके फ्रीज कर दिया था। अब एक पैन लेंगे, उसमें बलाई डाल देंगे सारी और फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, उसको बलाई को मेल्ट कर लेंगे और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। देखें मेल्ट होना शुरू हो गई है ये, तो ये देखिए ये कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है। फ्लेम हमारा मीडियम है और चम्मच भी मुस्तकिल चलाना है ताकि नीचे से लगे ना और साइड्स भी इसके साफ़ करते रहेंगे। अब घर में आप बलाई जमा करें और घर में बिल्कुल प्योर देसी घी खुद निकालें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। फ्लेम हमारा मीडियम है, देखें कितनी गाढ़ी हो गई है और स्टेज पे में बहुत ज़्यादा छींटे उछलते हैं, तो एहतियात से चम्मच चलाएगा बिल्कुल लो फ्लेम करके। मुस्तकिल चम्मच चलाएगा कि लगे ना ये बिल्कुल, नहीं तो इसमें जली हुई स्मेल हो जाएगी। देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये घी अलग हो जाएगा और अब मावा अलग हो जाएगा। इसको पकने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा। देखिए घी और मावा अलग हो गया, बस ये मावा अब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम। तो ये देखें मावा ब्राउन कलर का हो गया, बस ये रेडी है। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडा हो गया, अब इसको हम छान लेंगे। और पैन भी हमारा देखें बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी नहीं जला नीचे से ये। अब इसको अब इस तरह से प्रेस करके इसमें से सारा घी निकाल लेंगे। देखें इस तरह से प्रेस करके इसमें से निकाल लेंगे घी। तो ये देखें घी निकल गया है और ये हमारा प्योर बिल्कुल घर का निकला हुआ देसी घी। और ये मावा, आप ये मावा ऐसे ही चीनी डाल के खाएं, बहुत मज़े का लगता है। या फिर आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, आप गुलत्ती या जर्दा वगैरह बनाए उसमें डालें, बहुत मज़े का लगेगा। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।